भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम पर विराट कोहली के आंकड़े तो बहुत शानदार हैं, उन्होंने 107 से ज्यादा की औसत से इस ग्राउंड पर रन बनाए हैं। इस मैदान पर विराट कोहली का खूब बोलबाला दिखता है, चाहे श्रीलंकाई टीम हो चाहे पाकिस्तान की टीम हो, जो भी टीम इस ग्राउंड पर विराट कोहली के सामने आती है वो पस्त हो जाती है। चलिए आपको आर प्रेमदासा स्टेडियम के सभी आंकड़ों के बारे में बताते हैं कि इस मैदान पर अब तक कितने मैच खेले गए हैं, किस टीम का बोलबाला रहता है, एवरेज बैटिंग स्कोर क्या है, चलिए सभी जानकारियां आपको देते हैं। तो अगर ग्राउंड स्टैट्स की बात करें तो इस मैदान पर अब तक 150 टोटल वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 80 मुकाबले जीते हैं और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 59 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यानी कोलंबो में आप टॉस जीतिए, पहले बैटिंग कीजिए और मैच भी जीतने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 80 बार मुकाबला अपने नाम किया है। और इसके अलावा मैच टाई तो कोई नहीं हुआ इस मैदान पर और 9 मैच बेनतीजा रहे हैं, 9 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं आया। वहीं इस मैदान पर जो हाइएस्ट टीम इनिंग का हाइएस्ट स्कोर है वो है 375 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यानी किसी एक टीम ने जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर खड़ा किया है वो है 375 रन और वो रन बनाए हैं भारत ने ही। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ ही साल 2017 में ये टोटल खड़ा किया था 375 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं लोएस्ट अगर टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर 50 रन है लोएस्ट टोटल, वो श्रीलंका ने ही बनाया है, भारत के ही खिलाफ बनाया है और 2023 में बनाया है, यानी पिछले साल जब एशिया कप का फाइनल था तब भारतीय टीम ने एक तरफा हराया था श्रीलंकाई टीम को, तब 50 रन पर ही श्रीलंका ऑल आउट हो गया था। वहीं एवरेज अगर स्कोर की बात करें इस मैदान पर तो वो है 228 रनों का, यानी यहां पर औसत स्कोर सिर्फ 228 ही रहता है। और आमतौर पर इस कोलंबो के मैदान की खासियत यह है कि यहां पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, नई गेंद से सबसे बड़ी बात यह है, नई गेंद से तेज गेंदबाज बहुत खूंखार साबित होते हैं, लेकिन अगर आपने नई गेंद से सामना कर लिया ठीक से, पावर प्ले निकाल दिया और बॉल थोड़ा पुरानी हो गई, तो तब तक आ जाते हैं स्पिनर्स, और स्पिनर्स भी पुरानी बॉल से बहुत किफायती साबित होते हैं और बहुत ही शिकंजा कसते हैं वो बल्लेबाजों पर। तो यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होता, भले ही भारत ने 375 रन बनाए थे लेकिन एवरेज बैटिंग स्कोर जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया एवरेज टोटल, उससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ता है, गेंदबाजों के लिए मौके ज्यादा होते हैं, क्योंकि 228 ही औसत स्कोर है इस मैदान पर। तो कुलदीप यादव का रोल भी अहम होगा, देखना होगा वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या नहीं, वो भी असरदार साबित होंगे, और अक्षर पटेल भी, उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे ज्यादा नजरें किसी पर अगर रहेंगी तो वो होंगे मोहम्मद सिराज, वनडे फॉर्मेट हो और सामने श्रीलंका हो तो मोहम्मद सिराज बहुत ही घातक हो जाते हैं। ये पिछले साल हमने एशिया कप में भी देखा था और वनडे वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका के खिलाफ देखा था किस कदर कहर बरपाया था मोहम्मद सिराज ने, तो सिराज पर सभी की नजरें रहेंगी। तो ये था आर प्रेमदासा स्टेडियम का के जो ग्राउंड के आंकड़े और विकेट का मिजाज।